बीते कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है, यहां तक कि युद्ध की आहट तेज हो गई है। इन तनावपूर्ण हालातों के बीच टीवी 9 के हाथ रूसी प्रेसिडेंट का वॉर मैप लग गया है, जिससे पुतिन के खतरनाक प्लान का खुलासा हो गया है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर हथियारों और सैनिकों की बड़ी संख्या को तैनात कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यूक्रेन की सीमा पर 1,30,000 से भी ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा रूस ने टैंक, भारी हथियार और मिसाइलों को भी यूक्रेन की ओर तैनात कर दिया है। बताया जा रहा है कि रूस ने बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी कर ली है, क्योंकि उसने यूक्रेन को तीन तरफ से घेर लिया है। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन को पूर्वी यूक्रेन, बेलारूस और क्रीमिया की तरफ से घेर लिया है। बेलारूस, रूस का खास दोस्त बेलारूस हमले के लिए एक अन्य रास्ता दिखा सकता है। गुरुवार से दोनों मुल्कों ने 10 दिनों के सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। शीत युद्ध के बाद से रूस ने यहां पर बड़ी मात्रा में हथियारों की तैनाती की है। यहां पर 30,000 लड़ाकू सैनिक, स्पेशल फोर्स, SU-35 लड़ाकू विमान, इस्कंदर मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रूस बेलारूस के जरिए उत्तर से यूक्रेन पर हमला कर सकता है। पूर्वी यूक्रेन, यहाँ के डोनेत्स्क और लुहानस्क में यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच साल 2014 से ही संघर्ष चल रहा है। रूस पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि रूस यहाँ पर सैन्य क्षमता को बढ़ा सकता है, इस तरह यहाँ से हमला करना सबसे आसान तरीका होगा। CNN द्वारा हासिल की गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि येतनिया में रूसी सैन्य अड्डे को खाली कराया गया है। यहाँ मौजूद 700 टैंक, वाहन और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिया गया है। क्रीमिया, रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। अब ये इलाका नए अभियानों के मुख्य जमीन की भूमिका निभाने वाला है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि मॉस्को क्रीमिया से रूस में कदम रखने का प्रयास करेगा या फिर नहीं। मैक्सर द्वारा प्रोवाइड किए गए सैटेलाइट तस्वीरों से मालूम होता है कि यहाँ पर सैनिकों और हथियारों की बड़ी तैनाती की गई है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर 550 से अधिक सैन्य तंबू और सैकड़ों वाहन पहुँच चुके हैं। अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया है कि रूस ने यूक्रेन से लगती सीमा पर तैनात अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 1,30,000 से ज्यादा कर दिया है। इससे पहले रूस ने सीमा पर 1,00,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया हुआ था। अमेरिका और यूरोप के दोनों अधिकारियों ने बताया है कि हाल के दिनों की खुफिया पड़तालों ने चिंता बढ़ा दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक मैप बनाकर समझाने की कोशिश की है कि रूस ने यूक्रेन को किन तीन जगहों से घेरा है और रूसी सैनिक कहां कहां पर तैनात है। मैप को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूसी सैनिक बेलारूस, रूस और क्रीमिया में भारी मात्रा में मौजूद है। बेलारूस में रूसी सैनिक बेस्टर, बर्नोविच, यलस्क, मजर, आयर जैसे इलाकों में यूक्रेन बॉर्डर से नजदीक जमा किए गए हैं। इसके साथ रूस में रूसी सैनिक किनत्स, पोचेप, कुर्सक, सोलोती जैसे इलाकों में तैनात है। इसके साथ ही रूसी सैनिक क्रीमिया के नोवुजेरेने, परेवल्ने और फेडेरसिया जैसे क्षेत्र में तैनात है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।